नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। महाशिवरात्रि पर्व आपके लिए लेकर आए हैं एक महासंयोग, ऐसा महासंयोग जो आने वाली 13 फरवरी को, यानी कि आज और कल 13 फरवरी को, 13 फरवरी को ऐसा महासंयोग बन रहा है। दोस्तों, महासंयोग के ऊपर आज मैं बताऊंगा आपकी राशि के मुताबिक कौन से ग्रह आपको लाभ देंगे, कौन सा आपको उपाय करना चाहिए। आज हम बात करेंगे शत्रु शांति के लिए और आपकी संतान के लिए और लंबी आयु के लिए भगवान शिव की पूजा किस प्रकार से की जाए, कौन सा उपाय किया जाए। ये सब बातें जानने से पहले दोस्तों, एक छोटी सी हमारी रिपोर्ट है जो कि अभी प्रस्तुत करेंगे आपको। जी, हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि महाशिवरात्रि में किसी भी पहर अगर भोलेनाथ की आराधना की जाए तो माँ पार्वती और भोले दिल खोलकर भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये भगवान शिव के पूजन का सबसे बड़ा पर्व भी है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि दुनिया की शुरुआत में इसी दिन मध्यरात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र का रूप अवतरण हुआ। साल 2018 में महाशिवरात्रि की तिथि को लेकर संशय, क्योंकि इस साल फरवरी महीने की 13 और 14 दोनों ही तारीखों में चतुर्दशी का संयोग बन रहा है। इस पवित्र त्योहार को दो दिन मनाने की स्थिति बन रही है। कुछ ज्योतिषी 13 फरवरी को मनाने की सलाह दे रहे हैं तो कुछ 14 फरवरी। आइए अब आपको बताते हैं कि शिवरात्रि कब है और इस बार शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। शास्त्रों की माने तो महाशिवरात्रि त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी को मनाए जाने चाहिए। इस हिसाब से 13 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जानी चाहिए। पंडितों की माने तो इस बार काशी पंचांग के अनुसार 13 और 14 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इसमें महानिश्चित काल का मुहूर्त 13 फरवरी को रात 12:15 से 1:06 तक रहेगा। लेकिन इस बार चतुर्दशी तिथि 13 फरवरी को रात्रि 10:22 से शुरू होकर 14 फरवरी को 12:17 तक रहेगी, इसलिए 14 को पूर्ण महानिश्चित काल उपलब्ध नहीं होगा। महानिश्चित काल में की गई शिव पूजा ही श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। हालांकि कांवड़ जल चढ़ाने और व्रत रखने के लिए 13 और 14 दोनों तारीखें शुभ हैं। पंचांग के अनुसार इस साल 2018 में फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि 13 फरवरी को रात 10:22 से शुरू हो रही है, जो दिनांक 14 फरवरी को रात 12:17 तक रहेगी। इसी कारण इस साल ये तिथि दो रात्रियों तक रहेगी। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 13 फरवरी को मनाया जाना ही शुभ होगा। कहा जा रहा है कि गौरी शंकर मंदिर और मार्कंडेश्वर मंदिर समेत कई अन्य मंदिरों में महाशिवरात्रि 13 फरवरी को मनाई जाएगी, जबकि बाकी मंदिरों में अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। जी भक्तों, तो बात कर रहे हैं आज शिवरात्रि के महापर्व पर, आपने देखी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, बात करूंगा
शिवरात्रि के दिन इसी 13 फरवरी को मंगलवार के दिन एक ऐसा महासंयोग बन रहा है दोस्तों, इस महासंयोग का आप लाभ उठा लीजिएगा। इस महासंयोग को आपने यूज करना है, बरतना है, इस महासंयोग को खाली नहीं जाने देना। इस महासंयोग के दिन दोस्तों आपने आज विशेष उपाय करना है, बहुत शानदार उपाय बताऊंगा दोस्तों, सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आज तक यह उपाय ना किसी ने किया, ना सोचा होगा दोस्तों। उपाय को अच्छे ढंग से आपने समझना है, लिखना है, रिकॉर्ड करना है। बात कर रहा हूं दोस्तों महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर महा उपाय के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जिनकी लंबी आयु में, जिनको डाउट है कि हमारी लंबी आयु नहीं, आपको पता है बहुत सारे लोगों को मन में वहम रहता है। बहुत सारे लोग आते हैं, नारायण जी हमारा तो काम ज्योतिष का, तो लोग पूछते रहते हैं, नारायण जी गुरु जी बताइए मुझे ऐसे लगता है कि मेरी आयु कम है, मुझे लगता है कि एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे शत्रु मार देगा, मुझे कभी ऐसे लगता है वैसे लगता है। इनसिक्योरिटी जिनके मन में रहती है वो ये उपाय जरूर करेंगे। और आप उनके लिए भी उपाय कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी उपाय कर सकते हैं जिनके लिए आपको रहता है कि मन में वहम रहता है। माताओं को मन में बड़ा वहम रहता है, बच्चे की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। आप जो मैं बताऊंगा ये इस उपाय को आपने करना है, सच्चे मन से करना है, सच्ची श्रद्धा से करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 108 बिल्व पत्र लीजिए, बोलिए ओम नमः शिवाय। बिल्व पत्र ये देखिए, ये बिल्व पत्र है, तीन पत्ते एक साथ जुड़े होते हैं दोस्तों। ये नारायण जी तीन पत्ते जिसमें एक साथ जुड़े होते हैं, बिल्व पत्र का पेड़ आपको आस पास में कहीं भी मिल जाएगा। बिल्व पत्र हर देश में पैदा होता है दोस्तों। बिल्व पत्र जहां पर है वहां से आपने 108 पत्ते लेने हैं। 108 पत्ते बिल्व पत्र के लेने के पश्चात आपने क्या करना है, चंदन से या बिल्व पत्र के रस से, या चंदन के रस से दोस्तों इसके ऊपर आपने नमः शिवाय लिखना। ओम नहीं लिखना, सिर्फ नमः शिवाय लिखना है आपने। 108 पत्तों पे नमः शिवाय लिखने के पश्चात सच्ची श्रद्धा से रात्रि काल को, 13 फरवरी को रात्रि काल को 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में, और अगर खास कर सकते हैं रात्रि काल को 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में 108 पत्तों पर नमः शिवाय लिख करके आपने भगवान शंकर पर चढ़ाने हैं। और यह प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, मैं अमुक नामहम जिनके नाम के लिए आप करना चाहते हैं, मैं अपने पति, अपने बेटे, अपने भाई, अपने फलां फलां के इंसान के लिए ये उपाय कर रही हूं। प्रार्थना करते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए शंकर भगवान पे चढ़ाना है। और ये उपाय आपने 13 फरवरी को ही करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और 13 फरवरी मंगलवार को ही आपको बता दें कि आपने व्रत करना है, व्रत भी 13 फरवरी को ही किया जाएगा। बहुत सारे लोग भ्रमित कर रहे हैं कि 2 दिन व्रत है, 2 दिन पूजा है। धर्म सिंधु निर्णय के अनुसार, मैं ज्योतिषीय अनुभव के अनुसार और जो रिकॉर्ड हमारा है उसके मुताबिक, महानिश्चित काल के मुताबिक, ये महासंयोग 13 फरवरी को ही रात्रि काल को 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में विशेष रूप से बन रहा है दोस्तों। कहीं कहीं पर 10:35 पर शुरू हो रहा है, कहीं पर 11 बजे से शुरू हो रहा है, पंचांग के मुताबिक 1 बजे के बीच में मध्य रात्रि में दोस्तों 13 तारीख की रात्रि को 11:30 बजे के बाद से रात्रि को 1 बजे तक, यानी कि 14 तारीख की मॉर्निंग के 2 बजे तक, 1 बजे तक आपने ये उपाय करना है, शंकर भगवान पर चढ़ाना है। घर में चढ़ाएं, मंदिर में जाकर चढ़ाएं, कोई वहम नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, मैं बात करूंगा आपको, जिन लोगों को एक ये उपाय मुश्किल लग रहा है वो उपाय अपने घर में कर सकते हैं। बड़ा साधारण सिंपल उपाय बता रहा हूं, महा उपाय है महासंयोग के लिए। इससे पहले दोस्तों इस उपाय को बताऊं, इससे पहले आप ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए दोस्तों इस उपाय को सुनना है, इस उपाय के बारे में सोचना है, इस उपाय को आपने सच्ची श्रद्धा से नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए करना है। उपाय क्या है, 108 बिल्व पत्र 13 तारीख फरवरी के मंगलवार के दिन रात्रि काल को अपने घर में ले आके रख लें। और दोस्तों आपके जो घर में थाली है या कोई बड़ा सा लाल रंग का कपड़ा हो उसके ऊपर सारे बिल्व पत्र को रख लीजिए आराम से चारों तरफ। और बीच में आपने क्या करना है, दीपक जलाना है। दीपक किसी भी प्रकार का हो सकता है दोस्तों, दीपक जो है दीपक आपने जलाना है। दीपक
आपने जलाने के पश्चात चारों तरफ आपने बिल्व पत्र स्थापित करने हैं और बिल्व पत्र के ऊपर क्या लिखना है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, चारों तरफ दीपक के चारों तरफ बिल्व पत्र रख देने हैं। सारी रात दीपक जलता रहेगा दोस्तों, अखंड ज्योति जला दीजिएगा। सुबह उठ करके आपने वो सारे बिल्व पत्र इकट्ठे करने हैं और जो मनोकामना है जिनकी लंबी आयु के लिए, जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप प्रार्थना करना चाह रहे हैं, जिनकी सुख शांति के लिए आप करना चाह रहे हैं, कोई बच्चा विदेश में जाना चाह रहा है उसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, या एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, भाई बहनों के संबंध खराब हो रहे हैं उस प्रेम को बढ़ाने के लिए करना चाह रहे हैं, पति पत्नी के संबंध को जोड़ना चाह रहे हैं दोस्तों, ये महा उपाय उन सब चीजों में यूज होगा जहां जहां आप चाहते हैं दोस्तों। तो वो आपने सारे बिल्व पत्र ले जाकर के भगवान शंकर पे चढ़ा देने हैं अगले दिन सुबह, अर्थात 14 तारीख की मॉर्निंग में सुबह के समय दोस्तों। ये उपाय कीजिएगा, बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। बात करूंगा दोस्तों शत्रु शांति के लिए। महाशिवरात्रि का पर्व है, 13 फरवरी मंगलवार के दिन व्रत पूजा विधान का महासंयोग है दोस्तों। इससे पहले कि मैं आपको आगे की विधि बताऊं, इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए आप खबरें आज तक। नमो नारायण जी दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक कॉलर हमारे साथ, पहले इनसे बात करेंगे, इसके पश्चात बताएंगे दोस्तों महाशिवरात्रि का वो महा उपाय जो सभी शत्रुओं को शांत कर देगा और सभी रोगों को शांत कर देगा, देखते रहिए। हाँ जी अंकुर जी, नमो नारायण जी। जी नमो नारायण जी। नमो नारायण देवी जी, नमो नारायण जी, बताइए देवी जी क्या नाम है आपका? अंकुर नाम है मेरा जी। अंकुर जी बताइए पंडित जी, अभी शिवरात्रि पूजा करने की सही विधि क्या होगी ये मैं जानना चाहती हूँ। बहुत अच्छा देवी जी, शिवरात्रि पर्व के ऊपर जो विधि रहेगी वो आपने सबसे पहले प्रातः काल स्नान ध्यान करके सुच्चे मुंह नमः शिवाय का जप सिमरण करते हुए सबसे पहले भगवान शंकर के मंदिर में दूध जल लेकर के जाएंगे, फल पुष्प बिल्व पत्र लेकर के जाएंगे। सुबह के समय में आप पूजा करेंगे, प्रातः काल अगर यदि हो सके देवी जी तो 9 बजे से पहले। तत्पश्चात आप दिन में फिर जाएंगे, आप 3 बजे के पश्चात फिर भगवान शंकर की पूजा करेंगे, फिर रात्रि काल को लगभग 8 बजे के आसपास फिर आप जाएंगे मंदिर में, फिर भगवान की पूजा करेंगे और फिर रात्रि काल को 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच का जो समय रहेगा इसमें आप पूजा करेंगे। इस प्रकार से आप 4 बार भगवान शंकर की पूजा कीजिएगा और व्रत रखिएगा, और व्रत के अंदर आपने बड़ा ध्यान रखना है, लहसुन प्याज नॉन वेज ड्रिंक मसाला ये वो सब कोई गलत चीज़ें नहीं खानी। कुछ लोग एक समय भोजन कर लेते हैं, कुछ लोग एक समय भोजन भी नहीं करते। विधि बहुत सारी, बहुत बड़ी विधि है, बाकी बताते रहेंगे, देखते रहिए। हाँ जी नमो नारायण जी, देवी जी बताइए। सुषमा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पानीपत से। सुषमा जी बताइए क्या जानना चाहेंगी आप? गुरु जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1965। 5 अप्रैल 1965 के बारे में पूछना है। हाँ जी, नौकरी के प्रमोशन के बारे में। 5 अप्रैल 1965 समय बताएं देवी जी। समय तो गुरु जी मुझे नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी नंबर बता दीजिए। 5। 5 नंबर। अभी अभी किस चीज में जॉब कर रही है आप, किस फील्ड में जॉब कर रही है अभी? टीचिंग लाइन में। हाँ जी टीचिंग लाइन में जॉब कर रही हूँ, मेरी प्रमोशन होनी है, हो जाएगी मैं ये? बिल्कुल 100% होनी चाहिए देवी जी। देखिए जो 5 का अंक आया उसके मुताबिक तो प्रमोशन आपकी समझ लो टेबल पे ही है, आज हो जाए महीने में हो जाए 15 दिन में जो होनी जरूर है। आप प्रयास जारी रखिएगा, भगवान शंकर पे विश्वास रखिएगा, और वैसे भी प्रमोशन के लिए जो आज हमने उपाय बताया अगर आपने पहला देखा उपाय तो ये जरूर कीजिएगा। फिर भी आपने इंडिविजुअल उपाय आप करना चाहें तो कल आपने शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के 7 बिल्व पत्र लेना और उस पर आपने अपना नाम लिखना है, नाम लिख करके अपना जो मनोकामना है वो भी लिख देनी है कि जी मैं प्रमोशन चाहती हूँ, इस पद से इस पद पर जाना चाहती हूँ, ये आपने 7 बिल्व पत्र पर लिख के भगवान शंकर के मंदिर में शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए, जरूर कल्याण होगा देवी जी आपका। नमो नारायण देवी जी, कल्याण हो आपका जी दोस्तों। तो बात कर रहे हैं शिवरात्रि के महापर्व की, महासंयोग की। 13 फरवरी को आपने
व्रत करना है, पूजा करनी है और 14 तारीख को नहीं कीजिएगा। ये भ्रमित करने वाली बात है। बहुत सारे टीवी चैनल्स पे, बहुत सारी जगह पे दोस्तों 14 तारीख को शिवरात्रि का पर्व बता करके कंफ्यूज किया जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है। 13 तारीख को ही महापर्व, महासंजोग, महाव्रत मनाया जाएगा भगवान शिव का। अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, वहम कोई नहीं, लेकिन विशेष रूप से जो महानिश्चित काल है वो 13 तारीख को ही पड़ेगा। दोस्तों बात करूंगा शत्रु के लिए उपाय। रोग और शत्रु यदि पीछा नहीं छोड़ रहे, खास करके शत्रुओं के लिए, शत्रु यदि पीछा नहीं छोड़ रहे दोस्तों क्या करना है, भोजपत्र का रस निकाल लीजिएगा, एक लोहे की कील लीजिएगा, डुबो के रख दीजिएगा उसमें, और आपने क्या करना है, एक भोजपत्र ले लीजिएगा, भोजपत्र के ऊपर शत्रु का नाम लिखिएगा और भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए करना यह उपाय उसके लिए जब आपको लगे कि पानी यहां तक आ गया और कोई चारा नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही हो, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही हो, तब यह उपाय करना है दोस्तों। अगले दिन सुबह, ये रात को आपने भोजपत्र के रस में, शिवरात्रि के दिन 13 तारीख को एक लोहे की कील भोजपत्र के रस में डुबो के रखनी है, अगले दिन सुबह भोजपत्र पे नाम लिख के शत्रु के अंदर गुड़ा देनी है और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर चढ़ा दीजिएगा, हे भगवान ये शत्रु है मेरा पीछा छुड़ाओ। इससे उपाय कीजिएगा दोस्तों, रिजल्ट मिलेगा ईश्वर की कृपा से। हमारे साथ एक देवी जी जुड़ चुके हैं, सुचिरा जी बताइए। सुचिरा जी नमो नारायण जी। किरण जी, किरण जी जुड़ चुके हैं। किरण जी नमो नारायण। किरण जी नमो नारायण। सर मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। नाम बताइए देवी जी, आपके भाई का नाम क्या है? अंकित। अंकित जी का डेट ऑफ बर्थ बताए। 19/8/1998 जी। समय बताए उनका? सर समय तो पता नहीं। समय कोई बात नहीं बेटा, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिएगा और उसके बाद 1 से लेकर 10 के बीच में कोई नंबर बताइएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंबर बताइए 1 से 10 के बीच में कोई भी। 5 सर। 5 नंबर। एक कोई रंग का नाम और बताइए। लाल। कलर बताइए कोई भी। लाल हो गया, ओके। एक फ्रूट का नाम भी बता दीजिए कोई भी। एप्पल। क्या पूछना चाहेंगे बेटा? सर मेरे भाई की जॉब कब तक लगेगी और कैरियर कैसा होगा उसका? कैरियर बिल्कुल शानदार होगा और जॉब में अभी थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा करें, प्रयास करें, अभी थोड़ा समय लगेगा, 4 से 6 महीने अभी थोड़ा और संघर्ष करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए एफर्ट्स कर सकते तो मच बेटर, नहीं तो प्राइवेट में तो जॉब लग ही जाएगी आपकी। बिल्कुल कल्याण होगा। भगवान शंकर की कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन 13 तारीख को शिवरात्रि के दिन आपने एक छोटा सा उपाय करना है, छोटा सा उपाय करना है, छोटा सा उपाय क्या करेंगे, आपने पीले रंग के आपने 11 पुष्प लेने और मनोकामना बोलते हुए शंकर भगवान पर जलाना, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। तो दोस्तों बात कर रहे थे शिवरात्रि के ऊपर, भगवान शिव सारे बीमारियों को खत्म करते हैं, देवों को देव महादेव हैं और महाशिवरात्रि इस बार दोस्तों ये ऐसा संयोग आ रहा है, बड़े वर्षों के बाद में विशेष संयोग है। 13 तारीख को जो महानिश्चित काल है वो रात्रि काल को 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में है, इस बीच में रुद्राभिषेक कर लीजिएगा। मैं बात करूंगा रुद्राभिषेक किस चीज से करना चाहिए और किस कार्य के लिए करना चाहिए। आप कहते हैं कि नारायण जी मुझे धन चाहिए, बहुत धन चाहिए, मुझे तो टाटा बिरला बनना है, अंबानी बनना है। उपाय बताऊंगा कीजिए, उसके साथ 100% एनर्जी लगाइए, मेहनत कीजिए उसके साथ में और भगवान पे भरोसा करके प्रार्थना करते हुए आपने ये उपाय करना है। गन्ने के रस से, गन्ने के रस से अभिषेक कर दीजिएगा भगवान शंकर का। गन्ने के रस से अभिषेक करना है भगवान शंकर का, रोजाना कीजिए। और आज आपने 13 तारीख को तो कर दीजिएगा, 13 तारीख को मंगलवार के दिन मध्य रात्रि में अगर आप अभिषेक कर सकते हैं दोस्तों, आपको धन और दौलत की अपार कृपा हो जाएगी। बात करूंगा रोग नाश के लिए, सरसों के तेल से अभिषेक कीजिएगा। बात करेंगे धन के लिए, दौलत के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, दही से अभिषेक करवा दीजिएगा दोस्तों। दही से अभिषेक कराने मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था महाशिवरात्रि के महा उपाय और ये शुभ समय था। नारायण जी आज्ञा चाहते हैं और ये पूरा प्रोग्राम नारायण भविष्यवाणी यूट्यूब चैनल पर और खबरें अभी तक यूट्यूब चैनल पर आप पूरा प्रोग्राम दोबारा भी देख सकते हैं दोस्तों। आज्ञा दीजिए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण जी। हर हर महादेव। शिव शंभो।